5 hours later, 5 घंटे के बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट। फायर क्या हुआ, आग क्या हुई, फाइनली आउट मीन्स बुझ गई, आखिरकार बुझ गई। अवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और जो हमारा घर था वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, बर्न हो चुका था, मीन्स जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी, तभी मुझे अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, आई हैड नॉट सीन माई कैट, मैंने तो अपनी बिल्ली देखी ही नहीं, मेरी बिल्ली कहाँ है, वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ है। मच टू माई हॉरर, और जब मैं ये सोच रहा था तो मुझे और भी भय लगने लगा, डर लगने लगा। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, कि अब वो कहीं भी नहीं मिलेगी। मुझे ये एहसास होने लगा, कहीं ऐसा ना हो वह भी मर गई हो। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, तभी अचानक विचार आया, द न्यू स्कूल, एक नया स्कूल, आग और माई कैट, इन सब के साथ क्या हो चुकी थी, कैजुअलिटी हो चुकी थी, दुर्घटना हो चुकी थी। एक तो मैं नए स्कूल में गया था, ऊपर से क्या हुआ कि घर में आग लग गई, और दूसरा क्या हुआ कि मेरी कैट भी गुम हो गई। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड एंड क्राइड, जब मैंने ये सब बातें सोची तो क्या होने लगा, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं बहुत तेज़ी से रोने लगा, क्राइड करने लगा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मीन्स मेरा बहुत ही बड़ा लॉस हो चुका था, ये मैं सोच रहा था। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, और फायरमैन ने उस रात मुझे घर के अंदर नहीं जाने दिया, घर में नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि वो अभी भी वहाँ क्या था, डेंजरस था, बहुत ही खतरा था, क्योंकि जब आग लगती है तो बहुत सारी गैसेस, हार्मफुल गैसेस हैं वो निकलती हैं, इसीलिए फायरमैन ने मुझे उस मकान में नहीं जाने दिया। डेड और अलाइव आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, मैं ये सोच रहा था कि चाहे डेड हो चाहे अलाइव हो, आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, कि मैं अपनी कैट के बारे में जानना चाहता था, डेड या अलाइव, कि मृत हो गई है या जिंदा है। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ ऑन अवर बैक, और मैंने क्या किया, कार में चला गया, जो भी कपड़े मेरे साथ थे, ऑन अवर बैक्स एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और कुछ फायरमैन ने ब्लैंकेट्स दिए थे वो थे, और कुछ मेरे पास कपड़े थे। एंड मेड अवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, और मुझे कहाँ जाना पड़ा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस जाना पड़ा, टू स्पेंड द नाइट, वो रात व्यतीत करने के लिए मुझे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाना पड़ा, जो भी कपड़े मेरे पास थे और कुछ फायरमैन ने दे दिए थे उनके साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।